वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे जो मानसिक योग्यता के लिए है। यहाँ देखें प्रश्नों का दो सेट है, यह पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले दूसरे में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे में संबंध है। हमें चौथे वाले में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी को हमें खोजना है इस विकल्प में से कौन सा इसमें आएगा। यहाँ देखें एक चतुर्भुज दिया है और इसका संबंध इससे जो बना विकर्ण बना करके, यहाँ एक पंचभुज है और इसका संबंध पंचभुज जो बनेगा एक विकर्ण बना करके उसके विकर्ण होंगे। तो आप देखिए पंचभुज के जो विकर्ण बन रहे हैं वो सी वाला सही है। यहाँ देखें ये और ये। अगला सवाल देखें, यहाँ एक बड़ा सा गोला है और उसके ऊपर दो छोटे छोटे गोल और फिर ऐसे लटका हुआ, इसका जो बना यहाँ एक गोला और ऊपर वाला भाग उल्टा हो गया केवल, तो ठीक आकृति यही है। तो यह जो बन रहा है ये वाला भाग इसको उलट दीजिए, यानी ये आकृति ऐसे हो जाएगी और गोले नीचे हो जाएंगे और दोनों छोटे गोले वैसे ही रहेंगे। यह आकृति ऊपर कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ देखें ये बिल्कुल सही है, ये उत्तर सी सही है। इसी तरह से प्रश्न चार में देखें, ये गोला है, गोला में पंचभुज और त्रिभुज है अलग अलग, फिर पंचभुज में त्रिभुज आ गया यानी नीचे वाला ऊपर वाले के अंदर बैठ गया। यहाँ एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है और एक गोला है। अब क्या होना है, यह गोला जो है इस चतुर्भुज में अंदर चला जाएगा। तो आप देखें यह गोला, गोला में चतुर्भुज हो गया जो गलत है, हमें चाहिए क्या चतुर्भुज में गोला, तो चतुर्भुज में गोला ये देखिए सही है, ये बी आंसर सही है। अगला सवाल देखें, यहाँ वर्ग को चार भागों में बांटा गया और एक भाग में क्रॉस है, अगले वाले में इसके ठीक अपोजिट वाला छोड़ दिया गया, देखें ये छोड़ दिया गया, शेष दोनों भर दिए गए यानी इसके बगल बगल भर दिए गए। अब यहाँ देखें, यहाँ ये वाला भाग रेखांकित है तो अपोजिट वाला ये वाला भाग छोड़ दीजिए, शेष दोनों भरा रहेगा। ये वाला भाग कहाँ खाली है, आप देखें इसमें खाली है और इसमें खाली हो, लेकिन शेष तीनों भाग भरा होना चाहिए, रेखांकित होना चाहिए। उत्तर सी सही है।